positive. क्यों बुलाया? वो स्नेहा को ना कोरोना हो गया। क्या? स्नेहा को कोविड हो गया? हाँ, बड़ी तबीयत खराब है उस बेचारे की। तुम्हें पता है मुझे खाना वाना बनाना तो आता नहीं, तो मैंने सोचा मैं तुमसे मदद मांग लूँ ये नाश्ता। तुम भी छोड़ो। शू शू, मतलब स्नेहा की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया है? क्या चाहते हो कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊँ? कॉन्फिडेंस तो चेक करो बंदे का। नहीं नहीं एमी, देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मेरी तो नेगेटिव आई है। अल्लाह जाने भाई किसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और किसकी नेगेटिव। क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। कोरोना वायरस के पेशेंट पे ना यकीन नहीं करना चाहिए, और वैसे भी तुम उसके साथ तो रह रहे हो ना, तुम भी इक्वली खतरनाक हो भाई, पीछे हटो। हाँ, ठीक कहा तुमने, मैं भी इक्वली खतरनाक हूँ और मैं अपनी आंखों से जो है ना जरासीम वो ट्रांसफर करवा रहा हूँ ना। लूजर, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरी आंखों से निकलने वाले जरासीम तुम्हें जला के भस्म कर दें। जाओ। स्नेहा, नाश्ता मैंने बना दिया तुम्हारे लिए, तुम ये उठा लो और अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो बताओ, मैं मार्केट से ला दूंगा। एक काम क्यों नहीं करते, जहर लाओ और खुद ही फांक लो। इतने स्ट्रिक्टली मैं SOPs फॉलो कर रही थी, मुझे कैसे हो गया कोरोना, तुम्हें भी तो हो सकता था। तुम कितनी मीन और कितनी सेल्फिश लड़की हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए नाश्ते बना रहा हूँ, तुम्हारी खिदमतें कर रहा हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ और तुम यहाँ पर मुझे ही बदुआएं दे रही हो। और को ऐसी बद्दुआओं का जो एक भी तुम्हें नहीं लगी, इस वक्त मेरी जगह तुम आइसोलेशन में होते। इट्स ओके स्नेहा, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन तुम परेशान ना हो, तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। नाश्ता कर लो, मैं बाहर देखता हूँ, उठा लो नाश्ता। नहीं करना मुझे तुम्हारा नाश्ता, ले जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, आप सब यहाँ पर? अंकल, अगर कोई काम था तो आप एमी से कह के मुझे बुलवा लेते, आपने खामखा जहमत की, खैरियत है? जहमत कैसी बेटा, जहमत तो अब तुम्हें होगी, हम सब तुम्हारे सामान पैक करवाने में तुम्हारी मदद कर देंगे। सामान पैक करवाने में? मैं समझा नहीं। देखो तुम मियां बीवी जो न्यूज छुपा लेते ना, मैंने सबको बता दिए। देखें ये सुबह सुबह क्या पहेलियां बुझवाने आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, साफ साफ कहें क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज। मैं बताती हूँ। देखो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को कोविड हो गया है, और हमारी तुमसे कोई जानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोविड जैसी वबा के साथ तुम लोग इस मोहल्ले में नहीं रह सकते, इसलिए इसलिए जल्द से जल्द तुम दोनों मियां बीवी ये बिल्डिंग छोड़कर चले जाओ। ओ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया आप लोगों का, आफत और मुसीबत में अपना घर छोड़ के कौन जाता है? कोई जाए या ना जाए, लेकिन तुम दोनों को जाना होगा। बात सुने मेरी, आप इसको बताया था कि स्नेहा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मेरी नेगेटिव है, वो घर में आइसोलेटेड है, इससे आप लोगों का क्या खर्चा है बताएं? बाबा देखें, खबरदार अब किसी ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला, समझ आई? बेशर्मी की इंतहा है, किस किस्म के लोग हैं आप भाई, बीमार की मदद करने की बजाय आप हमारे लिए डबल मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, अच्छी बात है? आज स्नेहा को हुआ ना कोरोना, कल को आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा, क्या गारंटी है कि आप लोगों को नहीं होगा, बताएं मुझे? और अगर आपको हो जाता है तो आप एमी और अपनी बीवी से कहेंगे मुझे घर से निकाल दो। खुदा ना करे, कैसी बदफालियां मुझे निकाल रहे हो? वाह 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 वाह, जो बदफाली आपको अपने लिए लग रही है ना, मैं और मेरी बीवी वो झेल रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन दोनों को धक्के देकर निकालना होगा। धक्के? श्योर, दीजिए धक्के, हाथ लगाएंगे मुझे तो जर्म सीधे आप में ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर पहली फ्लाइट से ना आप ऊपर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप किसी ने मेरी बीवी या मेरे घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जाओ। बाबा ये कैसी बातें कर रहा है, ये तो हमें धमका रहा है। Thank you.
पता नहीं ये नेबुलाइजर अब कहां पर रख दिया है। स्नेहा, नेबुलाइजर तो नहीं मिल रहा, ये देसी तरीका भी बड़ा ऑथेंटिक तरीका है स्टीम लेने का, इसी से ले लो। अब तुम लगाओगी 10 squats, उसके बाद क्रंचेस। बस खत्म, बस और नहीं हो रहा है मुझसे, सांस फूल रहा है मेरा। क्या कहा तुमने? अरे नहीं स्वीटहार्ट, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हें पता है एक हेल्थी लाइफस्टाइल से ज्यादा कोरोना को कोई भी चीज मात नहीं दे सकती। सो आई एम सॉरी बट यू हैव टू डू इट राइट।